Now, there was this sweet boy from Margarita in Assam. Like all of us had built and, you know, made so many dreams and eyes. And like all of us, of course, at that time, this song didn't exist, but if it existed, this is what he would be singing. Standing somewhere in Margarita, looking forward into his life, building all these dreams and trying to make them reality. And if you know, as we got a greater audience, we try to give all the Hindi song, not Ophamia, but we'll hear Ophamia song from him. But if you know the song, please join us. It's a group thing, right? Okay, let's start. जाने बस मेरी मंजिल है कहाँ, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में फरमाए हैं। ओ जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है। ओ इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। So, उस वक्त लोग इंजीनियरिंग और बिजनेस के सपने देख रहे थे, लेकिन हमारे रुभु मामा फिजिक्स के सपने देख रहे थे। तब फिजिक्स यूज्ड टू बी अ मोर हॉटर फील्ड एंड मोर डिमांडिंग देन इंजीनियरिंग और एनी अदर फील्ड दैट वी नो टुडे, राइट? सो वही सपनों में आंखों में वो सपने लेके he landed in Detroit, and this very city, this very state, where his journey started 57 years back, and today we are celebrating their togetherness for 50 years. अब हर एक स्टूडेंट का होता है, वो पी एच डी करने यहाँ आए हैं, पी एच डी में बड़े लुप्त हो जाते हैं, फिर सडनली उनको रियलाइज होता है कि उनकी जिंदगी में और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं, ठीक है? तो उन्होंने फिर दूसरे टाइप के सपने देखना शुरू किए, दूसरे टाइप के सपने बुनना शुरू किए। तो अब देखते हैं इस गाने के थ्रू हम ये बताते हैं कि रुगु मामा उस वक्त क्या सपने देखे। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते से एक सफर शुरू होता है कि ठीक है पीएचडी करने तो आ गए भाई, इसके आगे भी कोई सपने बुनने हैं। तो उन्होंने सपने हवा में बुनने शुरू किए।
और वहाँ से फिर सोचा कि चलते जाते हैं फिर कुछ टाइम पर उनको लगा कि मैं शायद अकेला हो रहा हूँ, तो उन्होंने फिर कुछ और टाइप के ख्याल मन में लाना शुरू किए। तो अब ये देखते हैं कि वो ख्याल क्या थे। एक पीएचडी स्टूडेंट का सफर होता है जब वो अपने एडवाइजर से मिलता है, एडवाइजर उसको घिसता है, घिसते घिसते वो थक जाता है तो मुसाफिर की तरह चल पड़ता है, ठीक है। और रास्ता पेन स्टेट में जनरली वो जो रास्ता है मुसाफिर का, वो डिपार्टमेंट से बस सेकेंड स्ट्रीट पे एक बार है, वहीं पर ख़त्म होता है, राइट। वो वेन स्टेट, जो भी कोई वेन स्टेट गया है उनको ये पता होगा कि वो मुसाफिर का वो रास्ता वहीं पर तक, वहाँ से शुरू होता है वहीं ख़त्म हो जाता है, फिर वापस रिवर्स आता है वो। लेकिन फिर उसको ये फील होता है कि यार मैं तो अकेला हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ से मामा जी के दिल की आवारगी शुरू होती है। अब एक साल हो गया, दो साल हो गया, पीएचडी का शुरू हो गया है, परेशान हो रहे हैं, अकेले लग रहे हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया, ठीक है मार्गरेटा जाया जाए, ठीक है जो लड़की जिस पे दिल आएगा वो तो वहीं मिलेगी। यहाँ तो इतनी गोलियाँ थी, उन्होंने बहुत बुलाया, गले से भी लगाने की कोशिश की, पर मामा जी हाथ नहीं आए, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपना सफर तय किया, भैया तू फिर चल। अब देखते हैं कि वहां जाके दिल किस पे आया। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया। सॉरी, इसके लिए एक लाइन बोलना बहुत जरूरी है। तो मार्केट जाते ही जब मामी से मुलाकात होती है तो मामा जी का दिल इमीडिएटली ये गाना गाता है। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथ ही प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया। पहला नशा, पहला कुमार, नया प्यार है वहीं पे जब मामी को पहली बार देखा और मामा जी का दिल ये गाने लगा, अब मामा जी बोले यार मामी तो फिर भी नहीं मान गए, क्योंकि मामी ठहरी मामी अभी वो भी। शी वॉज हैज एनीबडी लुक्ड एट हर यंग डेज फोटोग्राफ, शी लुक्स नथिंग लेस देन एन एक्ट्रेस, शी लुक्स नथिंग लेस देन एन एक्ट्रेस। सो इमेजिन कि मामा जी उनको पहली बार देख रहे हैं तो मामा जी यहाँ तक कैसे रुकेंगे ना। मामा जी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पटाने के लिए, राइट। तो यहीं पर मामा जी बोला ठीक है, बहुत ही भारी सा गाना गाना पड़ेगा। तो अगला गाना जो ये गाया मामा जी ने वो आपके सामने प्रस्तुत कर। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, चुरा सनम बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। Oh,
बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। तो फिर 50 साल पहले फाइनली मामी बोली कि इतना प्यार करना तो बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। तो अब मामी भी बोली ठीक है, मैं हाँ बोल देती हूँ, हाँ बोलती, शादी हो गई, सब हो गया। अब दोनों का सफर, पहले तो अकेला था, अब अकेला है, तो दोनों साथ में चल दिए, साथ में डिट्रॉइट आए। तो अभी नई नई शादी हुई तो रोमांस तो जस्ट शुरू हुआ है, खत्म कहाँ होगा। तो मामा जी ने इतना प्यार में पड़े हुए थे मामा जी के, कि उन्होंने मामी के लिए ये गाना अपने दिल से उनके दिल तक गाया। मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुने ले अपने, मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने ये गाना सिर्फ मामा जी गा सकते थे, इसलिए हमने आधे में छोड़ दिया। तो चालू है रोमांस, अभी तक साल भर खत्म नहीं हुआ है डिट्रॉइट में। तो मामा जी और ज्यादा, मतलब दोनों इतने खुश खुश लग रहे थे ना, कि अगला वाला जो गाना है मामा जी फुल जोश में आके मामी को प्यार सिखाते। Devajit Kaur, did you find any similarity with Sharmila Tagore and Rubha Khuri? Yeah. I heard you were watching lots of Sharmila Tagore. So this is the song, I think the Sharmila Tagore is there, right? And did you have any plan to go to Kashmir in the, you know, that lake, you know, going in a serene environment? What do you think? Oh, Lonawala ke kali. Sabai akela ki gaavu lagi bobe. ये चांद सा रोशन चेहरा, सुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई ना सहे इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं तो यहाँ से अब एक शादी के कुछ महीने हो गए, साल हो गया, फाइनली मामा जी के पिया बोले देख शादी तो हो गई, लेकिन तेरी असली शादी से पहले तेरी शादी मेरे से हुई थी, तो एक काम कर लैब में वापस आ जा। तो मामा जी ने जोरदार काम छोड़ के, मैंने कहा तो पीएचडी खत्म करके रखूंगा, ठीक है। तो कितने लोगों ने यहाँ पर पीएचडी की है शादी के बाद, वो समय बताया है और खतरनाक होता है। जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, तुम देना साथ मेरा, ओ हाँ, ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हाँ। I think इसी तरीके से उन सब मामा जी और मामी का सफर शुरू हुआ, एंड आई थिंक
उसके बाद कई लोग ये सारी स्टोरी जानते हैं कि हाउ सक्सेसफुली दे कैरीड देयर फैमिली, दे बिल्ड देयर फैमिली, हाउ सक्सेसफुल बोथ द किड्स आर, एंड आई थिंक बोथ द किड्स सेट अ एग्जांपल फॉर एटलीस्ट पीपल लाइक मी इन टर्म्स ऑफ यू नो हाउ दे लिसन टू देयर पेरेंट्स एंड टेकन केयर ऑफ एंड स्टिल मेकिंग श्योर दैट दे एंजॉय एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. सो the sacrifices, the success, the hard work, I think a very good example for all of us. Thank you so much. Please keep inspiring us. Please keep living happy in this life. So one last song we want to sing. Our parents are back in India, all of us probably. And for us, they are our parents. So this song to dedicate it to them. And the meaning is very emotional. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. चलते चलते मेरे अंकल जेतिया गैसिले इयारपरा डिट्रॉइटरपरा मार्गरेटले सो क्यों गैसिले बिकज देर वाज इन्सिडेंट गोइंग ऑन आंटीक चाबले बेलेगो आइसिल कुरमा बुले सो एटो समय माने इयार अंकले गोपले ए गानटो माने डीपले कन्विन्स करिले ऐसे निमाय जाजी नोय दुआई दिन, ऐसे निमाय कोली जाते चेरे, ऐसे जी नोय दुआई दिन, ऐसे निमाय कोली जाते चेरे, ऐसे निमाय ओ तेरे बुआ बो, नो ऐसे निमाय Thank you.
सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है पार कभी भी रहेगा। तुम रुको ना करो मेरी जो मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो कितनी सी चमक जाती है। तुम रोको ना करो मेरी जो मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो कितनी सी चमक जाती है। मुझे जीत जियो दिल पर तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा।